हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एसएससी, बैंकिंग और सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। टिपिकल कम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। और आगे बढ़ने से पहले इस टारगेट बैच के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एसएससी सीजीएल 2018 के लिए हमने ये लॉन्च किया है, और इसको टीयर वन के लिए और टीयर टू और थ्री के लिए, दोनों ही के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके रिगार्डिंग इन नंबर्स पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, और ये आपकी मोबाइल पर, लैपटॉप पर या पीसी पर आप घर बैठे इनके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। तो एक ये क्वेश्चन देखते हैं हम। पीपल इन इंडिया आर नाउ सिक विद द रिजर्वेशन इशू। ये बात सही है कि काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, एनॉयड हैं और बहुत ज़्यादा चिड़े हुए हैं रिजर्वेशन इशू की वजह से। अब इसमें देखिए क्या है कि एरर्स को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको पार्ट बाई पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, पीपल इन इंडिया आर, ठीक है, तो यहाँ तक ये सेंटेंस सही है क्योंकि पीपल जो है वो प्लूरल है, भारत के लोग, ठीक है। पीपल इन इंडिया आर नाउ सिक विद द रिजर्वेशन इशू। क्या वो रिजर्वेशन इशू, देखिए दो हैं इसमें, इसमें जो सिक है इसके साथ हम दो प्रपोजिशन लगाते हैं, एक सिक विद और एक हम लगाते हैं सिक ऑफ, ठीक है। सिक विद हम लगाते हैं जब हम किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, ठीक है। किसी बीमारी के साथ यदि आप पीड़ित हैं तो आप लगाएंगे सिक विद, और यदि आप परेशान हैं किसी चीज़ से, ठीक है, तो हम लगाते हैं सिक ऑफ। तो यहाँ पर चूंकि हम परेशान होने की बात कर रहे हैं, एनॉयड होने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लगाएंगे इसमें सिक ऑफ। पीपल इन इंडिया आर नाउ सिक ऑफ द रिजर्वेशन इशू। तो इसमें आपका जो एरर है वो है बी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ग्रेट लीडर्स से द डिज़ायर ऑफ सक्सेस इज द चीफ रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि ग्रेट लीडर्स, ये नाउन प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल में आएगी, यानी इसमें हम एस नहीं लगाएंगे। ये सही है यहाँ तक, यहाँ तक ये सही है। लेकिन देखिए, एक होता है विश, विश का मतलब क्या होता है, इच्छा करना। लेकिन विश के आगे हम क्या लगाते हैं, विश के आगे हम लगाते हैं फॉर, किसी चीज़ के लिए इच्छा करना, विश फॉर, ठीक है। उसी तरीके से डिज़ायर के साथ भी हम ऑफ नहीं लगाते, फॉर लगाते हैं, आई डिज़ायर फॉर इट। ग्रेट लीडर से दैट डिज़ायर फॉर सक्सेस इज द चीफ रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस, ठीक है। ये बोलने में आपको सही लग सकता है, लेकिन ग्रामेटिकली ये सही है, ग्रामेटिकली ये गलत है। और यहाँ पर आप बोलेंगे डिज़ायर फॉर सक्सेस, तो इसमें आपकी गलती होगी बी। ये टिपिकल एरर्स हैं और सभी एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स में ये अक्सर रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस हम देखते हैं। करण अनइंटेंशनली जंप्ड द ट्रैफिक लाइट्स एंड फाइंड ₹1000 बाय द पुलिस। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये एसएससी सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें एक्चुअली एक्टिव पैसिव वॉइस का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वॉल्व है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में डूअर जो होता है, जो काम करने वाला होता है, वो खुद काम को करता है। पैसिव वॉइस में डूअर जो होता है उसके ऊपर कोई काम होता है, वो खुद काम को नहीं करता बल्कि उसके ऊपर किसी काम को किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। सपोज मेरे ऊपर कोई काम होता है, जैसे यदि मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, तो ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें मैं खुद काम कर रहा हूँ। और यदि मैं बोलूँ कि मुझे पढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब है कि मेरे ऊपर काम हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इसमें बाय एलिमेंट का होना जरूरी है कि एक्टिव वॉइस में डूअर खुद काम करता है, पैसिव वॉइस में डूअर के ऊपर कोई काम किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा। तो वो जो बाय एलिमेंट है वो अंडरस्टूड भी हो सकता है और वो आपका लिखा हुआ भी हो सकता है। अब आप इसमें देखिए, करण अनइंटेंशनली जंप द ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है। करण ने अनइंटेंशनली ट्रैफिक लाइट को जंप किया, जंप किया मतलब ये पास्ट टेंस में है, ये सेंटेंस जो है पूरा पास्ट टेंस में है। अनइंटेंशनली मतलब जानबूझ के नहीं किया, बिना जानबूझ के किया। तो करण क्या है, यहां पर डूअर है। जंप्ड क्या है, वर्ब है। जंप्ड का ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है। तो ये सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है क्योंकि करण खुद काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां तक एक सेंटेंस है, और एक सेंटेंस के बाद एक सेंटेंस यहां से शुरू हुआ है। ये दोनों सेंटेंस एंड के साथ जुड़े हुए हैं, एंड एक कंजंक्शन है जिसके साथ इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया है। तो करण अनइंटेंशनली जंप द ट्रैफिक वॉल, ट्रैफिक लाइट्स, करण ने अनइंटेंशनली ट्रैफिक लाइट्स को जंप किया एंड फाइंड ₹1000 बाय द पुलिस।
अब ये फाइन किसने लगाया, करण ने लगाया या करण के ऊपर फाइन को लगाया गया? करण के ऊपर फाइन को लगाया गया, करण थोड़ी लगाएगा फाइन, फाइन तो पुलिस करण के ऊपर लगाएगी। तो इसलिए यहां पर करण डूअर है और यहां पर करण रिसीवर है। तो इसलिए ये वाला जो सेंटेंस है इसको हम पास्ट टेंस में लिखेंगे, इसको हम पास्ट टेंस में लिखेंगे। तो इसलिए यहां पर इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, इसमें हम वॉज का प्रयोग करेंगे, वॉज फाइंड, क्योंकि इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म और वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म हम पैसिव वॉइस में लगाते हैं। पैसिव वॉइस को आप यहां से भी देख सकते हैं कि इसमें बाय एलिमेंट लगा हुआ है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है और इसमें पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको लगाना होगा, वॉज प्लस बी थ्री। तो इस तरीके से सी इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आई विल एक्सेप्ट सच अ बैड ऑफर, किसी भी परिस्थिति में मैं इस तरह का ऑफर स्वीकार नहीं करूंगा। तो यदि इस सेंटेंस को देखें आप तो इसमें इन्वर्जन का रूल अप्लाई होगा। देखिए, यदि कोई भी सेंटेंस के शुरू में नेगेटिव वर्ड या नेगेटिव फ्रेज, नेगेटिव वर्ड जैसे नेवर, नो, या नेगेटिव फ्रेज जैसे इसमें ये नेगेटिव फ्रेज है, एक नेगेटिव वर्ड के साथ ये दो तीन शब्द इसमें दिए हैं, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव फ्रेज। ठीक है, तो किसी सेंटेंस की शुरुआत यदि नेगेटिव फ्रेज से होती है तो उसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब को इन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये एडवर्ब में ये इन्वर्जन का रूल पढ़ाया जाता है, अपने टारगेट बैच में मैं बहुत डिटेल में इन सारे रूल्स को बताता हूँ। तो यहाँ पर आई विल के स्थान पर हो जाएगा विल आई, क्योंकि शुरुआत में ही इसमें नेगेटिव फ्रेज का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे विल आई। तो इसमें आपका जो आंसर होगा, ये वाला पार्ट गलत है और बी इसमें आपका आंसर होगा। अब देखिए, चैटिंग विथ माई फ्रेंड्स हैव बीन माई हॉबी सिंस चाइल्डहुड, फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करना मेरी हॉबी रही है। ठीक है, चैटिंग विथ माई फ्रेंड्स हैव बीन माई हॉबी सिंस चाइल्डहुड, मेरी हॉबी क्या रही है, मेरी हॉबी है चैटिंग। यदि आप कॉमन सेंस लगाएं, यदि आप ग्रामर अप्लाई नहीं भी करें, केवल कॉमन सेंस लगाएं, तो चैटिंग यहाँ पर एक रियल सब्जेक्ट है, क्योंकि चैटिंग की हम बात कर रहे हैं। चैटिंग विथ माई फ्रेंड्स, मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करना, ठीक है, फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर रियल सब्जेक्ट है चैटिंग। और चैटिंग क्या है, एक एक्टिविटी का नाम है, एक एक्शन का नाम है, और ये चैटिंग क्या है, एक सिंगुलर एक्टिविटी है। ठीक है, चैटिंग अपने आप में एक सिंगुलर एक्टिविटी है, इसलिए यहाँ पर हम हैव बीन के स्थान पर हैज बीन का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, इसको हम ग्रामर की लैंग्वेज में इसको हम जेरेंड बोलते हैं, जिसमें वर्ब भी होती है और आईएनजी फॉर्म भी होती है। आईएनजी फॉर्म है और चैटिंग एक चीज़ का नाम भी है, तो ये वर्ब और नाउन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको हम वर्बल नाउन बोलते हैं और इसको हम जेरेंड बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, हैव बीन के स्थान पर हैज बीन का हम प्रयोग इसमें करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट आई वेंट टू प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत कॉमन ये सेंटेंस है, एसएससी में बार बार भी ये पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि काम ख़त्म करने के बाद, आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया। ठीक है, एक एक्टिविटी कंप्लीट हुई है, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी शुरू हुई है, तो एक्टिविटी का कंप्लीशन हम दिखाते हैं वो हैविंग प्लस वी थ्री के द्वारा दिखाते हैं, जिसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। हैविंग प्लस वी थ्री का मतलब होता है कि काम खत्म हो चुका है। यहां पर यदि आप बोले हैविंग कंप्लीटेड तो इसका मतलब होगा आफ्टर कंप्लीटिंग, यदि आप हैविंग कंप्लीटेड बोलें तो इसका मतलब होगा आफ्टर कंप्लीटिंग, ठीक है, खत्म करने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग माई प्रोजेक्ट। तो हैविंग कंप्लीटेड जो है, ये जो हैव लगा है और ये वी थ्री लगा है, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें केवल और केवल हम हैविंग प्लस वी थ्री का प्रयोग करते हैं, इसमें हम आफ्टर नहीं लगाते हैं, आफ्टर इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसलिए इसमें ए पार्ट में इसमें आपकी एरर मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड वी शुड अडेप्ट विद द चेंजिंग टाइम्स, यदि हम सफल होना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो ये सही है, वी शुड हमें करना चाहिए अडेप्ट। अडेप्ट का क्या मतलब है, देखिए दो तीन वर्ड में यहाँ पर आपको बताऊँगा, एक होता है ADAPT, अडेप्ट, इसका मतलब होता है ढालना अपने आप को,
एक होता है ADEPT अडेप्ट, जिसका मतलब होता है स्किलफुल, और एक होता है अडॉप्ट, जिसका मतलब होता है अपनाना। तो जब ढालने के सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं तो ADEPT अडेप्ट वर्ड तो सही है, लेकिन अडेप्ट के साथ हम विद नहीं लगाते, अडेप्ट के साथ हम टू लगाते हैं, अडेप्ट टू द सिचुएशंस, अडेप्ट टू द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, चेंजिंग टाइम्स का मतलब है बदलता हुआ दौर। देखिए टाइम और टाइम्स में भी अंतर होता है, टाइम का मतलब होता है समय और टाइम्स का मतलब होता है दौर, जो दौर चल रहा है, जो बदलता हुआ दौर चल रहा है। ठीक है, तो टाइम्स का प्रयोग यहाँ पर सही हुआ है, लेकिन विद यहाँ पर गलत है। तो इसमें आपका आंसर होगा सी, ये ए पार्ट है और ये है आपका, हाँ बी पार्ट में इसमें गलती आपकी, सी पार्ट में इसमें गलती मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पीपल इन सम विलेजेस हैव फॉलन विक्टिम ऑफ डेंगी फीवर। इसको डेंगू नहीं बोलते, डेंगी इसको फीवर बोलते हैं। तो कुछ गांवों में जो लोग हैं वो डेंगी फीवर के शिकार हो गए हैं। फॉल विक्टिम का मतलब होता है उसके शिकार हो गए हैं। ठीक है, जिसके ऊपर कोई पीड़ा होती है उसको हम बोलते हैं विक्टिम। ठीक है, तो फॉलन विक्टिम ऑफ, किसी चीज के लिए हम, किसी चीज का हम शिकार होते हैं। ठीक है, तो इसमें इस सेंस में हम लगाते हैं फॉलन विक्टिम टू डेंगी फीवर, फॉलन विक्टिम ऑफ नहीं। ठीक है, फॉलन विक्टिम ऑफ डेंगी फीवर का तो ये मतलब हो जाएगा कि डेंगी फीवर से हम रिलेटेड हैं, लेकिन डेंगी फीवर के शिकार हम हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लगाएंगे फॉलन विक्टिम टू डेंगी फीवर, और सी इसमें आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ही कैन नॉट सी प्रॉपरली बिकॉज ही इज ब्लाइंड टू वन आई। देखिए दो होते हैं, एक होता है डेफ और एक होता है ब्लाइंड। डेफ का मतलब होता है बहरा, ब्लाइंड का मतलब होता है जिसको दिखता नहीं, अंधा है जो। तो यदि आप डेफ टू बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप जानबूझ के किसी चीज को सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं या सुनना नहीं चाह रहे हैं। यदि आप ब्लाइंड टू बोलते हैं मतलब आप जानबूझ के किसी चीज को अनदेखा कर रहे हैं। ब्लाइंड टू का मतलब होता है कि उस चीज को आप अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम वन आई के खराब होने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम बोलेंगे ही इज ब्लाइंड इन वन आई, ब्लाइंड टू नहीं बोलेंगे। ब्लाइंड टू का मतलब होता है अनदेखा करना, ब्लाइंड इन हम यहां पर बोलेंगे, और सी पार्ट में इसमें आपकी गलती है। माई फ्रेंड अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स इज बिसेट बाय मैनी डिफिकल्टीज नाउ अडेज। मेरा फ्रेंड अपने कई सारे फ्रेंड्स के साथ बिसेट है, बिसेट मतलब घिरा हुआ है। किस चीज से घिरा हुआ है? डिफिकल्टीज, परेशानियों से घिरा हुआ है इस समय, नाउ ए डेज मतलब आजकल। तो बिसेट जो वर्ड है इसके साथ हम एक तो बाय लगाते हैं और एक हम लगाते हैं विद, बाय और विथ। ठीक है, बाय हम लगाते हैं जब हम प्रॉब्लम्स की या डाउट्स की बात करते हैं, लेकिन डिफ़िकल्टीज के साथ हम बिसेट वर्ड के साथ विद का प्रयोग करते हैं। डिफ़िकल्टी के साथ यहाँ पर हम विद का प्रयोग इसमें करेंगे, डाउट्स के साथ या प्रॉब्लम्स के साथ बाय, और डिफ़िकल्टी के साथ विद का प्रयोग बिसेट के साथ करते हैं। बिसेट का प्रयोग आप एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं और बिसेट का प्रयोग आप नाउन की तरह भी कर सकते हैं, जैसा कि आप तीसरे सेंटेंस में देख सकते हैं, द प्रॉब्लम नाउ बिसेटिंग द कंट्री, मतलब प्रॉब्लम्स जो है आप कंट्री को परेशान कर रही हैं। तो यहां पर इसमें बाय के स्थान पर इसमें विद का प्रयोग होगा और सी इसमें आपका आंसर होगा। आगे हम सेंटेंस देखते हैं, इट इज 7:30 इन माई वॉच, मेरी घड़ी में इस समय 7:30 बजे हैं। ये देखने में ये सेंटेंस बिल्कुल सही लगता है, लेकिन यदि आप आगे इसमें देखेंगे इट इज़ 7:30। देखिए जो टाइम है वो सबकी घड़ियों में अलग अलग हो सकता है, सब आगे पीछे टाइम कर सकते हैं, लेकिन टाइम अपने स्थान पर फिक्स रहता है। घड़ी के अकॉर्डिंग तो आप टाइम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो रियल टाइम है जो चल रहा है इस दुनिया में उसको आप चेंज नहीं कर सकते। घड़ी तो वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा आप टाइम को बताते हैं। ठीक है, तो इट इज़ 7:30 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी के द्वारा 7:30 बजे का समय बताया जा रहा है। 7:30 बजे भी बता सकते हैं आप, 8:30 भी बजा सकते हैं, उसमें आगे कर सकते हैं घड़ी को, पीछे कर सकते हैं। तो मेरी घड़ी के द्वारा 7:30 बजे का टाइम बताया जा रहा है। 7:30 बजे का टाइम
है नहीं लेकिन बताया जा रहा है, तो इसलिए इन के स्थान पर इसमें यहां पर बाय का प्रयोग होगा और सी इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही कैन स्पीक गुड इंग्लिश नाउ बिकॉज ही हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर इंग्लिश फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, काफी दिनों से। फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ का मतलब होता है काफी दिनों से वह मेहनत कर रहा है। देखिए, या तो हम किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर अर्निंग मनी, लेकिन जब सब्जेक्ट की बात होती है तो सब्जेक्ट के ऊपर हम लेबर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वर्किंग हार्ड एट इंग्लिश हम बोलेंगे, फॉर इंग्लिश नहीं बोलेंगे। फॉर इंग्लिश का मतलब हो जाएगा इंग्लिश के लिए मेहनत कर रहा है वो, लेकिन इंग्लिश के लिए मेहनत नहीं कर रहा है वो, इंग्लिश पर मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए वर्किंग हार्ड एट इंग्लिश का हम प्रयोग करेंगे और सी पाथ इसका इरोनियस पाथ होगा। ये बैंकिंग का क्वेश्चन है और इस तरह के बैंकिंग के क्वेश्चन रियल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पाकिस्तान हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एडमिटेड, हैज़ लगा है तो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि सही है, एडमिटेड के बाद टू लगाते हैं जो कि सही है। फॉर द फर्स्ट टाइम एक टाइम फ्रेज है जो कि बीच में लगा सकते हैं इसको हम, ये सही है। पाकिस्तान हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एडमिटेड टू द प्रेजेंस ऑफ इंडियाज, सही है। मोस्ट वॉन्टेड सही है, टेररिस्ट सही है, दाऊद इब्राहिम सही है। ऑन इट्स अर्थ नहीं होगा, अर्थ तो सभी की एक ही है, एक अर्थ है, उसके ऊपर इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, सभी है। पाकिस्तान यहाँ पर बात कर रहा है कि अपनी उसकी जमीन पर, पाकिस्तान की जमीन पर दाऊद इब्राहिम की प्रेजेंस की वो बात कर रहा है, वो एडमिट कर रहा है उसको। तो यहाँ पर अर्थ वर्ड गलत है, इसके स्थान पर आप सॉइल लगा सकते हैं, ठीक है। तो डी इसमें आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो क्लास में मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एसएससी और बैंकिंग के मैंने इसमें कवर किए हैं। इस तरह के वीडियोस मैं और भी अपलोड करूँगा इस वीडियो क्लास पर। और यदि आपको ये वीडियो क्लासेस अच्छी लगती हैं इंग्लिश एडवांटेज चैनल की, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप हमारा टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, घर बैठे आप तैयारी करना चाहते हैं बैंकिंग के किसी भी एग्ज़ाम की या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की, तो हमारे टारगेट बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इसके रिगार्डिंग इन नंबर्स पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।